एग्जाम्पल 4.1, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेट शुड अ बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज एम्ब्रेला। ऑन पेपर ईस्ट डायरेक्शन इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ और यहाँ साउथ। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन विद स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ विंड इज 12 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में है। ये विंड की स्पीड है 12, रेन की स्पीड है 35। पैरेललोग्राम लॉ से हम इसको ऐड करेंगे तो इसके पैरेलल एक लाइन इधर ड्रॉ कर दी और इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। अब जो इसका डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो वर्टिकली रेन ड्रॉप्स आ रही थी अब वो उस बॉय को इस विंड की वजह से वर्टिकली ना आते हुए दिखकर इस डायरेक्शन में आते हुए दिखेंगी, इस डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। उस बॉय को ये रेन ड्रॉप्स वर्टिकल नहीं दिखेंगी बल्कि उसे लगेगा कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर ऐसे आ रही है। हैंस ही शुड होल्ड हिज एम्ब्रेला एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। इस डायग्राम से क्लियर है कि ये थीटा इस थीटा के इक्वल होगा क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और अब इस ट्रायंगल के अंदर जब हम टेन थीटा अप्लाई कर देंगे तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 12 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 12 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड इधर 12 होगा और ये 35 है। देन वी कैन राइट टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12 अपॉन 35, जो 10 19 डिग्री की वैल्यू होती है तो थीटा आ गया 19 डिग्री। हैंस द बॉय शुड होल्ड हिज एम्ब्रेला इन वर्टिकल प्लेन एट एन एंगल अबाउट 90 डिग्री टुवार्ड्स ई, ये अबाउट 90 डिग्री होता है। और आर का मैग्नीट्यूड इसमें पूछा नहीं है क्वेश्चन में, अगर पूछा हो तो वी कैन इजीली फाइंड आर इक्वल रूट 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, क्योंकि 12 और 35 दोनों के बीच का एंगल 90 है। और मैंने केस थर्ड में बताया था, केस सेकंड था शायद, कि थीटा इक्वल 90 डिग्री तो उस केस में आर इक्वल हो जाता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 37 मीटर पर सेकेंड।